रूसी सेना का ग्रैंड डिफेंस सिस्टम से हमले को लेकर बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी अब बनाया जा रहा है निशाना। साथ ही ग्रैंड के जरिए ताबड़तोड़ रॉकेट भी किस तरीके से दागे गए हैं, एक एक तस्वीर आपके सामने। लुहांस्क के सुवत्सोवो इलाके पर अटैक किया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। लुहांस्क में यूक्रेनी फौज को क्या ये रोकने की कोशिश थी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि क्या ग्रैड से रुकेगा यूक्रेन का काफिला, ये एक अहम बात है। ग्रैड से रुकेगा यूक्रेन का काफिला, और यहाँ पर लुहांस्क वो एरिया है जो एक हस्ताक्षर करके पुतिन ने चार ऐसे जिले जो कि हथियार लिए, और उसके बाद से जंग और ज्यादा भीषण हो गए। अब लुहांस्क में जिस तरह से यूक्रेनी सेना पर अटैक हो रहे हैं और रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ये क्या बताते हैं? तो क्या जो काफिला है, यूक्रेनी काफिला, उसे ध्वस्त करेगा ये ग्रैड? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आइए इसकी खासियतें समझते हैं कि जो रूस हमले बढ़ा रहा है वो किस तरह से बढ़ा रहा है, और 122mm सेल्फ प्रोपेल्ड MLRS है ये ग्रैड, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए 122mm सेल्फ प्रोपेल्ड MLRS, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे कहा जाता है, 1969 में सिनो सोवियत वॉर का हीरो साबित हुआ था ये ग्रैड। BM-21 लॉन्च व्हीकल और M-21 रॉकेट से मिलकर बना हुआ है ये ग्रैड। 40 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसकी खासियतें क्या हैं, क्यों आखिर रूस अपनी स्ट्रैटेजी में इसको बार बार इस्तेमाल करता है, और कैसे वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी बता रहे हैं। एक साथ 30 रॉकेट दागे जा सकते हैं इस ग्रैड के जरिए। ग्रैड का मतलब ही नर्क होता है, और इसी वजह से समझा जा रहा है। ब्रिगेडियर थापर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या आपको लगता है ये जो स्ट्रैटेजिकली वॉर को अंजाम दिया जा रहा है, और उस एरिया में जो पहले से ही आपके कब्जे में है, जिसे कहा जा रहा है जो ग्रैड के जरिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स जो होते हैं, क्या इससे विभीषिका समझी जा सकती है युद्ध की, कि ये बहुत ताकतवर है और इस पर कब्जा जमाना आसान भी होता होगा? देखिए, ग्रैड जो वेपन सिस्टम है बहुत ही घातक सिस्टम है, मैंने देखा हुआ है फायर होते हुए, और जब आप फायरिंग एंड पे खड़े हैं जहाँ से फायर हो रहा है वहीं से डर लग जाता है। अगर सारे के सारे रॉकेट इकट्ठे और जहाँ गिरते हैं एक बाय एक स्क्वायर किलोमीटर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये एक किसी अटैक को, आर्मर्ड अटैक से लेके इन्फेंट्री अटैक, किसी भी अटैक को तोड़ सकता है, किसी भी डिफेंसेस को तहस नहस कर सकता है अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड फायर किया जाए तो। ये बहुत घातक हथियार है। बाकी इसको किस एंगल से इस्तेमाल करते हैं, किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो देखना है। तो कितने उसकी रेंज जो होती है थापर साहब, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक साथ कई रॉकेट्स आप एक बार में दाग सकते हैं। जी हाँ, 30-40 रॉकेट एक साथ में, और वो सिर्फ एक वेपन सिस्टम से। अगर ज्यादा लगे हो तो और भी डाले जा सकते हैं, और एक जो आपने 30 रॉकेट बोला वो एक बाय एक स्क्वायर किलोमीटर को बर्बाद कर सकते हैं। और अब हकीकत ये है कि सर, अब बार बार ऐसे ही हमले करते हुए बकायदा वीडियो भी जारी कर दिए जाते हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।